दोस्तों नमस्कार मैं श्रावण सी एल सी सीकर से आज नीट 2021 के बच्चों के लिए एक यूनिक अनपैरल और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए एक नई चीज़ हम लोग सूट करने जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना टाइम में हम लोगों ने आपको नीट के प्रीवियस पेपर के टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए हमारे यूट्यूब चैनल पे जिनका अल्टीमेट रेस्पॉन्स रहा 2020 में बहुत से बच्चों के रिजल्ट में वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं या किया दोस्तों उसी थीम पर बच्चों के फीडबैक पे बच्चों की रिक्वायरमेंट पे हम लोग एक नए नई चीज लेके आपके लिए आ रहे हैं क्या है नाम हमने दिया इसका गुरु नीति 180 सौ अस्सी एक नीट में क्वेश्चन आते हैं हम आपको 180 वीडियो देंगे पैंतीस क्वेश्चन कही हो कहीं चालीस क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं हो पाएंगे लेकिन हम लोग उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको देंगे जिनका सॉल्यूशन होगा आसपास की थ्योरी को लपेटा जाएगा और रोज रात नौ अपलोड होगा जिस डेट पे इसका शेड्यूल है शेड्यूल क्या है वो आप देखें सबसे पहले फिजिक्स की बात करूं मेजरमेंट ये क्लास आपके पास छब्बीस अक्टूबर को आएगी वेक्टर की क्लास आपके पास अट्ठाईस को आएगी क्योंकि सत्ताईस को क्या आएगा आप केमिस्ट्री पे आए केमिस्ट्री पे देखो दोस्तों सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री ये सत्ताईस तारीख को आएगी फिर ये उनतीस को आएगी अब बायोलॉजी पे आप आए तो आप देखें बायोलॉजी में जुलॉजी आपकी दोस्तों छब्बीस को आएगी बोटनी आपकी सत्ताइस को आएगी कहने का मतलब है छब्बीस यानी एक दिन फिजिक्स और जुलॉजी आएगी नेक्स्ट डे केमिस्ट्री और बोटनी आएंगी यानी 180 लेक्चर हैं आपके पास एक दिन में दो लेक्चर आएंगे दो वीडियो आएंगे ताकि आप उनको देख भी सकते हो और वो सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पर जिस आप देख रहे हैं एग्जैक्ट रात को ठीक नौ बजे दोस्तों अपलोड हो जाएगा ओके okay डियर इसका पूरा फायदा लेने के लिए आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होगा और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा है ही है इसके अलावा आप एक सीएलसी की टेस्टरी चलती है अपने उसको फॉलो कर लेते हैं और इस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो शायद मैं कहता हूं कि आपको यदि आप रिपीटर हैं आपने एक या दो साल कोचिंग ले रखी है तो शायद आपको क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसी थीम पे हम इसको शूट करने जा रहे हैं 26 अक्टूबर को ये शूटिंग स्टार्ट हुई है और दोस्तों 5 मार्च को आखिर भाई को दिखाएं 5 मार्च को भाई इसका आखिरी वीडियो आपके पास आएगा 5 मार्च को ही समाप्त हो जाएगा यानी अक्टूबर 26 से तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी अल्टीमेट 4 महीने और साढ़े चार महीने कह सकते हैं कंप्लीट सिलेबस आपके पास आ जाएगा ओके डियर इसलिए आप इस खुशबू को अधिकतम अपने दोस्तों तक फैलाएं सीएलसी सीकर के नीति दोस्तों दोस्तों नीट के आगे आई लगा दिया तो भावनात्मक लगाव था तो हमारा गुरु नीति शब्द बना हमारा है एक सौ अस्सी वर्षे एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी क्वेश्चन एक सौ अस्सी वीडियो ओके डियर तो ये इसका इंट्रोडक्शन था बात शुरू करें तो दोस्तों आज आपका फिजिक्स का पहला लेक्चर हम लोग शूट करने जा रहे हैं और इसमें हम दो साथ ही एक साथ खड़े होंगे जैसे आए किशोर सर जैसे किशोर सर हैं आप मेरे साथ रहेंगे फिजिक्स में ऐसे केमिस्ट्री में दो बंदे खड़े होंगे दो बंदे जोलोजी में खड़े होंगे दो बंदे में खड़े होंगे और सीएलसी की ऑलमोस्ट कंप्लीट टीम को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे इन वीडियोज को बनाने के लिए ठीक है डियर और उस टॉपिक में सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे

ठीक है डियर तो आज 26 अक्टूबर को ये पहला वीडियो गुरु नीति का आपके सामने हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं ठीक है आज फर्स्ट है लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ प्रकाश वर्ष मात्रक है ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है पब्लिक यहां कंफ्यूज क्यों होती है जैसे उसको ईयर दिखाई देता है वो लगता है कि समय का मात्रक है और यहां बच्चा गलती करता है क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों ये डिस्टेंस का यूनिट होता है बस यही इसकी सुंदरता है जब नया नया बच्चा इलेवन ट्वेल्थ में आता है

फर्स्ट है देखो थर्ड आंसर इसका नहीं है क्योंकि हाँ एक बात और ध्यान रखना यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम टू सेवनटी थ्री काम लेंगे क्लास काम है। तब तो टू थ्री काम लेंगे लेकिन एग्जेक्ट होता है, टू सेवन थ्री पॉइंट वन फाइव और यह सबसे ज्यादा काम बताओ कहां है एक शब्द होता है त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट याद करो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस दोस्तों इसका आंसर बनता है, है 16. 16. आप थोड़ा सा दोस्तों तेहतर पॉइंट वन सिक्स बात की सुंदरता समझे दोस्तों दोस्तों दोस्तो ही काम नहीं कैलकुलेशन में लेकिन एक्सैक्ट दो सौ पॉइंट एक पांच है

न्यूटन मीटर आपको इनमें से उचित राशि द्वारा व्यक्त नहीं किया गया मतलब गलत को निकालना है हम चारों निकालेंगे भाई सबसे दोस्तों टौर्क. तो टोर्क क्या होता है R F. बात का दोस्तों आर क्या होता है मीटर एफ क्या होता है न्यूटन बोलो कुछ क्या होगा न्यूटन हो, हो गया तो न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर तो ये क्या न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर सही हो गया हम चारों करेंगे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए तो डियर जब बात को ध्यान दें कि एक पूरा हो गया सेकंड कौन है स्ट्रेस न्यूटन मीटर इनवर्स प्रति प्रतिबल देखो यहां एक बात सुनना आप जानते हो दोस्तों बाय स्ट्रेन ध्यान देना क्लास दोस्तों स्ट्रेस क्या होता है याद हो एफ अपॉन ए होता है स्ट्रेन दोस्तों क्या होता है आप जानते हो स्ट्रेन को मैं एक एग्जाम्पल ले लू तो डेल्टा एल बाई एल होती है आप जानते हो प्रतिबल विकृति विकृति का मतलब होता है चेंज ऑफ कौन डेटा तो ये डायमेंशन लेस है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है स्ट्रेस दोस्तों F A, और दोस्तों F A, एक बात और सुनो एफ फोर्स है ए एरिया है ये प्रेशर भी हो गया ध्यान देना ये प्रेशर भी हो गया दाब क्या होता है? क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, ए फोर्स अप्लाइड उसको भी कर सकते तो कई बार आता है कौन कौन सी डायमेंशन सेम है तो इलास्टिफिशियंट स्ट्रेस और प्रेशर प्रेश। इन तीनों डायमेंशन क्या होगी सेम अब आप खुद देखो फोर्स क्या होता है न्यूटन

सरफेस टेंशन क्या होता है यूनिट लंबाई पे लगने वाला फोर्स देखो प्रेशर क्या है यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन क्या है यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है तो न्यूटन अपॉन मीटर है तो ये मेरे भाई तेरा गलत हो गया तो हम दोनों पिता पुत्र कह सकते हैं स्टूडेंट टीचर कह सकते हैं इस तरह मिलके आपको अगले 45 वीडियो देंगे इस तरह से डिस्कस किया जाएगा

टेक्निकल शब्द है टोर दाब का ये मेरे हिसाब से मेडिकल में सबसे आपके टाइम से फेमस है सबसे ज्यादा बार एग्जाम आया क्वेश्चन है ओके डियर अगले क्वेश्चन माइनस e आएगा वो माइनस की बात नहीं करेंगे मात्र को प्लस माइनस को फर्क नहीं पड़ता है अब तेरे को क्या चाहिए एल तो एल क्या होगा ई मल्टीप्लाई डी टी अपोन डी आई ई क्या होता है वोल्ट डी टी क्या होता है समय डी आई क्या होता है करंट तो दोस्तों इसका मात्रक वैसे देखा जाए तो वोल्ट गुणा सेकेंड अपॉन एम्पियर है अब देखो ऐसा कोई मात्रक है नहीं इसमें है ही नहीं अब ऐसा कोई मात्रक नहीं है तो इसको आगे चेंज करें तो आगे में कन्वर्ट करें फिर आगे इसमें पर वी अब अपन अपॉन एम्पियर आगे जाओ तू खुद जानता भैया वी इक्वल टू क्या होता है आईआर तो तेरे सामने सामने वी अपॉन आई क्या हो गया आर आर क्या हो गया ओम तो इसका मात्रक क्या हो गया ओम मल्टीप्लाई सेकंड ये आंसर आ गया क्योंकि सर तो, देखो डियर रट्टा नहीं मारना है मैंने लिखा ई इक्वल टू एल डीआई बाय डीटी माइनस की बात नहीं करूंगा मैं तो एल इक्वल टू ई मल्टीप्लाई डीटी बाय डीआई मेरा मात्रक आया वोल्ट सेकंड एंपियर ऐसा ऑब्जेक्ट ही नहीं है कोई तो जैसे मुझे ऑब्जेक्ट देखो दोस्तों सुनो

आइडियल गैस का इक्वेशन होता है PV वी इक्वल टू एन और गैस रियल हो तो दोस्तों आप जानते हो पी भी चेंज हो जाता है V भी चेंज होता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई वी माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट अब इसमें दोस्तों अब यहां एक सुंदर चीज आ रही है हम सब जानते हैं दोस्तों P प्लस ए वी अगला मुझसे देखो दोस्तों ये प्रेशर है प्रेशर के अंदर प्रेशर ही ऐड होता है याद करो मीटर में मीटर जुड़ता है समय में समय जुड़ता है मीटर से मीटर माइनस होता है समय से समय माइनस होता है गुणा किसी का भी किया जा सकता है डिवाइड किसी को भी किया जा सकता है बट प्लस और माइनस की बात आएगी तो आप किलो के अंदर समय नहीं जोड़ सकते आप समय के अंदर डिस्टेंस नहीं जोड़ सकते तो आप दोस्तों प्रेशर है तो ये प्रेशर है तो ये भी किसके यूनिट है प्रेशर की कहने का मतलब ये है आप ये कह सकते हो P b a v² और इसको दोस्तों आप अपनी भाषा में f upon a कह सकते हो एक ही बात है अरे प्रेशर क्या बोलते हैं f upon a f अपन जानते हैं क्या होता है भाई न्यूटन अब तेरे को e का मात्रक चाहिए ना तो e का मात्रक चाहिए तो देख f v² a अब तेरा ये जो v है ना ये वॉल्यूम है भाई ये जो तेरा v है ये वॉल्यूम है तो लिखने में थोड़ी गड़बड़ होगी ये वॉल्यूम है अब f क्या होता है न्यूटन

सेंटीमीटर स्क्वायर तो तेरे सामने सामने मात्र हो गया डाइन मल्टीप्लाई पावर फोर डाइन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर फोर बोलो रुको एक मिनट एफ पूरी बात बोलता हूं पीवी इक्वल टू आर टी आइडियल गैस का इक्वेशन है इसका नाम याद करवाल इक्वेशन एफ पी प्लस वी माइनस बी दोस्तों यहां मन ए का निकाल दिया अगला मुझसे बी का पूछता

यूनिट डायमेंशन चेंज नहीं होती है ओके okay डियर? आओ तो बताओ बी यूनिट क्या है तो आ जाओ भैया वही पैटर्न एक्स इक्वल टू एक्वायर दोस्तों वही बात है ये डिस्टेंस है, तो है ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ही होगा और डिस्टेंस में डिस्टेंस से प्लस होता है डिस्टेंस से माइनस होता है तो बी टी डिस्टेंस के बराबर है अब आप देखो आपको क्या चाहिए बी चाहिए तो बी में दोस्तों मीटर में किसका भाग दे दो टी स्क्वायर का भाग दे दो टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया समय हो गया अब आपका मतलब क्या है दूरी बटा समय का स्क्वायर ये दूरी बटा समय एक क्या है क्या फर्क पड़ता है किलोमीटर से क्या फर्क पड़ता है ये रा। ये थैंक यू सर दूरी बटे समय का स्क्वायर बोलो हाँ या ना आ रहा बात का मजा हो रहा ये ही है सब कुछ यही एग्जाम में आते हैं भाई नीट में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं नीट में जो आदमी नीट की तैयारी करता है ना वो तो सेलेक्ट हो जाता है और नीट के साथ जो आईटी की तैयारी करता है फिजिक्स पे रिसर्च करता है वो फिर कई साल घूमते रहते हैं माफी जाते तो मेरा अनुभव है यूनिट ऑफ न्यूक्लियर डोज गिवन टू ए पेशेंट इज रोगी को नाभि के मात्रा में आप जानते हैं धाना ना ये कैंसर वगैरह रोग होते हैं तो कुछ डोज देते हैं सरकार है, सर, सरकार कैसे डॉक्टर उसका जो यूनिट होता है वो दोस्तों आपका होता है क्योंकि खोज करता कौन था इनका विश्व जो खोज करेगा उसको श्रेय देंगे ना तो दोस्तों आपने मैंने तो खोज की नहीं भैया जिन्होंने खोज की है उन, अरे ये साइंटिस्ट के न्यूटन को मात्र थोड़ा ही है नाम है न्यूटन साइंटिस्ट साइंटिस्ट का साँटिस्ट ने काम किया तो उनका मान सम्मान देने के लिए फिर अगले साइंटिस्ट ने उनको पद दे दिया ओके डियर ये आठ नंबर क्वेश्चन हो गया नौ नंबर पे आओ स्पर्शा धारा मापी में परिवर्तन गुणांक का मात्र क्या है दोस्तों द यूनिट ऑफ रिडक्शन

जो वर्किंग प्रिंसिपल वो होता है आई इक्वल टू के टेन थीटा बस इदान ये तब आएगा। आप याद रखो ये टेंजेंट गोमी का स्पर्श धारा मापी का वर्किंग ऑपरेशन है आई इक्वल टू के टेन थीटा टेन थीटा साइन थीटा का तो बात होता ही नहीं है तो के इक्वल टू क्या हो गया भैया आई आई इक्वल टू क्या हो गया के आपको के पूछा है तो किसके बराबर हो गया एम्पियर के जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है ये एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आया हुआ है फिर सुन लो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ टेंजेंट गैलोमीटर गैल्वेनोमीटर स्पर्शज धारामपी का कार्य कार्य सिद्धांत है जो टॉपिक पढ़ाएगा तब आएगा आज उसकी बात लंबा हो जाएगा लास्ट फार्मूला निकलता है इसका i k tan थीटा क्यों सर तो थीटा का कोई साइन हो चाहे कोस हो चाहे टेन हो इनका कोई डायमेंशन वगैरह कुछ होती नहीं है तो आई और के इक्वल हो गए मतलब आई के की एक हो गई तो के किसके बराबर हो गया आई आई मतलब एम्पियर आगे चलो भैया दस में आ जाओ एक एम के इक्विलेंट भैया सिंपल है ये कुछ नहीं करना सीधा सीधा सा होता है एक एम इक्विलेंट टू एक एम किसके बराबर है तो एक एमयू दोस्तों याद करो एक तो होता है एक पॉइंट छुना दस की घात माइनस सत्ताइस के जी इसके बराबर है माइनस सत्ताइस के जी है तो अपना आप माइनस चौबीस ग्राम आ गया और याद करो दोस्तों एक मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर एक एमयू का मास डिफेक्ट होता है इसको गुणा भाग करते हैं तो नौ सौ इकतीस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है तो चौतीस इकतीस को लगभग एक मान सकते हैं तो आंसर क्या हो गया सुन लो ए मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है एक एमयू का कहीं द्रव्यमान क्षति हो जाए एटॉमिक मास यूनिट के बराबर जब कोई न्यूक्लियस बनता है मिलकर जब न्यूक्लियस बनाते हैं नाभिक कण मिलकर जब नाभिक बनाते हैं तो द्रव्यमान की क्षति होती है वो द्रव्यमान की क्षति ऊर्जा में चेंज होती है क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा में चेंज होता है ऊर्जा द्रव्यमान में चेंज होती है ये फंडा होता है सब जानते हैं याद रखना होगा एक एमयू बराबर होता है नौ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद कर ले पक्का आएगा एग्जाम में ठीक है ओके अगले क्वेश्चन पे आ जा भैया अगला ये फिर गड़बड़ करता है बहुत प्यारा है किलो वाट आवर जैसे पब्लिक को वाट दिखाई देता है वो कहता है शक्ति का मात्र अरे नहीं बोले आदमी इधर देख P इक्वल टू डब्लू बाई टी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं ये कौन है रे वाट ये कौन है जूल और ये कौन है टाइम तो भैया वाट को जो टाइम से गुणा कर जूल हो गया तो, तो कार्य का मात्रक हो गया ऊर्जा का मात्रक हो गया वर्क का हो गया एनर्जी का हो गया तो भैया एनर्जी का हो गया आंसर क्या हो गया सेकेंड ये फिर बेकूफ है क्वेश्चन पब्लिक को वाट दिखना चाहिए बस बस वाट दिखा शक्ति अरे किलो छोड़ो यार किलो से सफर पड़ता है वाट गुणा घंटा घंटा भी छोड़ो वाट को समय से मल्टीप्लाई किया वाट जब समय से वाट जब समय से मल्टीप्लाई होता है तो जूल बन जाता है अब जूल को आप वर्क कह सकते हैं आप इंदर्जी कह सकते हैं अब वर्क मेरे हाथ में नहीं है मेरे हाथ ऑब्जेक्ट क्या है है मैं किसको टिक लगा दूंगा इंदर्जी को बोलो हाँ आना। क्योंकि जोर सर सही चल रहा मामला आ जाओ आगे चलो क्वेश्चन नंबर बारह पे आ जाओ लंबाई और बल की इकाई को चार गुना बढ़ाए तो ऊर्जा की इकाई क्या हो गई ये एक नया क्वेश्चन आ गया साथ हो जा। नया कॉन्सेप्ट है लंबाई और बल तो दोस्तों सबसे पहले एक बात है ऊर्जा का ऊर्जा बोल दो कार्य एक ही बात कोई दिक्कत नहीं है कार्य का वो फॉर्मूला लिखो जिसमें एफ और डी आते हो क्यों भाई ध्यान दे क्लास एक ही बात है वर्क बोल एनर्जी बोल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी दोस्तों कलर चेंज कर दूं आपके लिए अगला कहता है सबको कितना गुना कर दिया चार गुना ये भी चार गुना हो गया ये भी चार गुना हो गया तो तेरे सामने सामने दोस्तों नया क्या हो गया सोलह गुना हो गया क्या ये मात्र को चार गुना किया है तो ऐसा करने से क्या हुआ कि कार्य कार्य मात्र है वो सोलह गुना हो गया सही है अब जैसे परिमाण जो अपन कहते हैं वो होता है एन इन टू यू बराबर कॉन्स्टेंट सर ठीक है अब चूंकि हमने यहां क्या करा कार्य का हम लोगों ने

ओके डियर थैंक यू अगले पे आए पार किसका मात्रक है भाई ये दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन है बताएं किस 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 पे टिक लगाएं इसमें किसका दूरी का मात्रक होता है किसका? दूरी दूरी स्थे स्थे रहा। रहा। एक डिस्टेंस का मात्रक है बोलो हाँ या ना कोई गड़बड़ चलो जी नेक्स्ट आजा ये मेरा प्रिय क्वेश्चन है भाई दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन मेरी निगाहों में नीट में

फोर्स हो गया एंगुलर मोमेंटम बोलो हाँ आना ये बहुत बड़ा है एग्जाम के दृष्टि में बहुत क्वेश्चन है ओके डियर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाओ क्वेश्चन पंद्रह देखो ये है देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है एल आर आर रेस्पेक्ट रेस्पेक्टिवली इंडक्शन एंड रेजिस्टेंस एल अपोन आर देखो भैया तीन क्वेश्चन बनते हैं देखो डियर एल अपोन आर जो है वो टाइम है रूट एल सी है वो टाइम है और दोस्तों एक रमेश चंद्र है टाइम है मेरा फंडा है लल्लू राम टाइम है रमेश चंद्र टाइम है और लालचंद जी का रूट है वो टाइम है ये तीनों ही टाइम के यूनिट हैं जिनको तीनों को ही अपन टाइम कांस्टेंट कहते हैं एलसीआर सर्किट के लिए याद है कहाँ से आया ये याद है क्या एफ इक्वल टू टू पाई रूट एल गए क्या रहे अरे एसी पढ़ते हो तो एलसीआर सीरीज का जब सर्किट बनाते हो और जो रेजोनेंस होता है उसका अनुनाद जो होता है है ये नहीं है क्या आवृत्ति एफ आर अपॉन अपॉन पाई रूट एलसी। फिर सुन ले भैया एल अपॉन आर लल्लू राम माफी चाहता हूं थोड़ा सा ट्रिक बना रखिए ये टाइम का कॉन्स्टेंट है रमेश चंद्र टाइम कॉन्स्टेंट है और रूट लालचंद जी का रूट है वो और बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं कई बार लोग अगला हमसे कई बार

ये इस प्रश्न कभी नहीं भूल सकता भाई मैंने उन्नीस सौ नब्बे पीटी का एग्जाम दिया था आरपीटी मेरी आरपीटी का पहला क्वेश्चन था ये मुझे आज भी याद है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू आज भी याद है मेरे को एम एल टी ये मैं जिंदगी नहीं भूल सकता क्योंकि मेरे मेरे मैं एग्जाम देने गया था आरपीटी का मेरा पहला क्वेश्चन मिला मुझे याद था मैं टिक मारा मैंने कहा अब मतलब मेरे को आज भी याद है उसमें मेरा आरपीटी में सिलेक्शन कराने वाला क्वेश्चन था फिजिक्स का पेपर था फिजिक्स का अलग होता था केमिस्ट्री अलग होता था मैथ अलग होता था हमारे टाइम में तो यह क्वेश्चन आज भी आते मतलब क्या है है।, तीन प्रकार की होती है नाम ये, आप जानते हो ये सबके लिए होती है ये यंग ये 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 आपकी दृढ़ता है लेकिन मात्र चेंज नहीं होता मात्र सबका एक ही होगा क्या जो फोर्स जो जो प्रेशर का है एक ही बात बोल दे जो प्रेशर का है जब फोर्स अपॉन एरिया का है बस इसकी यूनिट निकाल ले तो फोर्स की क्या होती है जरा बोलना किस किशोर सर एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन एल टू तो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू आपका आंसर हो गया फिर से आ गया देखो याद करो के प्रकार के प्रकार होते हैं याद ना? एक गामा होता है एक बीटा होता है एक नीटा होता है तो आप जानते हो ठोस ना अलग चीजें हाँ दोस्तों 18. यहां अपने को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्शन यानी ये सर्किट के टॉपिक की सारी डायमेंशन है तो ऐसा करता हूं मैं आप पेज खाली कर लो मैं कुछ पेपर हाथ में पे लेता हूं हम दोस्तों आपको ये सब निकाल के दिखा देते हैं फिर लास्ट में जाके मैच कर देंगे आर की या वी की डायमेंशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका किशोर सर मुझे लगता है पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर या पी इक्वल टू वी आई इससे आसान कोई नहीं अब इससे यदि आपको आर का निकालना है तो पी अपॉन आई स्क्वायर पी क्या पावर है यहां पर पावर P पावर है अच्छा साइड में तेरी बात करूं कलर चेंज करके एक बार में तो P क्या होता है W बाई टी पी क्या है W बाई टी अब W सब जानते हैं M1 L2 एल टू टी माइनस टू टी तो दोस्तों आपके सामने सामने ये P की डायमेंशन क्या आ गई M1 L2 एल टू टी माइनस थ्री बच्चों हम इनको सीधा बोल सकते हैं लेकिन नहीं हम आपके सामने निकाल रहे हैं मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि इन वीडियोस को आप यदि एक सौ अस्सी को ढंग से देख जाओगे ना तो नीट 2021 हजार आप का बड़ा के आ जाओगे आ जाओ तो पावर की डायमेंशन क्या होगी एमओ वन एल टू टी माइनस थ्री लो मैं एक बार बोर्ड खाली कर लेता हूं वापस आता मेरी बात पे तो दोस्तों पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर तो आर इक्वल टू पी अपन आई स्क्वायर पी दिखा दिया आपको मैंने क्या था M1, L2, L2 T minus -3, -3, 3 और A, Ampere होता है ना? अप, अपना मात्रक होता है इसका A2. ये लो मात्रक हो गया. M1, L2, L2 T minus -3, -3, 3, A minus 2. ये दोस्तों अपने आप में ये 3 है, ये 2 है. ये अपने आप में R का डायमेंशन हो गया, हो गया ना? अब इधर देखना. अब आप खुद देखो दोस्तों एक क्या होता है? V equal to V है ना? आपको V का निकालना है. तो ये क्या हो गया P अपोन आई तो P क्या है एम वन एल टू टी माइनस थ्री अपोन एम्पियर तो V का क्या हो गया एम वन एल टून टी माइनस थ्री माइनस वन हो रहा है ना हो गया ना अब अपन खाली कर लेते हैं इसको आ जा अब तेरे सामने सामने किस निकाल वापस तो पहला है विद्युत प्रतिरोध जिसका आपने निकाला तो फर्स्ट का दोस्तों सही हो रहा है क्यू बिल्कुल सही है एम वन ये सही करना भैया बोलो हाँ ना, में क्या हो गया Q, तो Q तो का आर है एम वन एल टू टी माइनस थ्री तो ए का क्यू हो गया बी का आर हो गया तो अपने आप आंसर आपका सही हो गया क्योंकि ये तो गलत हो गए फिर भी अपने सी पर भी आएंगे सी कौन है स्पेसिफिक डिस्टेंस और डी कौन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो ये तो आप जानते हैं एक दूसरे के ठीक उल्टे होने ये आपको निकाल दूं बोर्ड खाली करना एक बार भैया रो का आपको निकाल देता हूं लो मैं तो आपके सामने सामने रो क्या है एल अपॉन ए तो रो क्या होगा आर ए बाय एल आर का क्या है अभी आपको बता दिया भैया आर का हम जानते हैं क्या होता है आर का है एम1 एल2 टी 3 ए2 आर क्या है एम1 एल2 टी 3 t 3 a -2. a 2 नीचे फिर क्या दोस्तों ये l है और a a और है भैया m ये l स्क्वायर हाँ, ये l स्क्वायर है अब आप इसको मॉडिफाई कर लो ये तेरा m1 है ये नीचे l है ये l4 है तो क्या बचा l3 बच गया ये क्या बच गया t 3 बच गया और ये तेरा a 2 बच गया अब आप खुद देखो m1 l3 t 3 a 2 तो दोस्तों ऐसा कोई ऑब्जेक्ट्स है भी नहीं तो सी का आंसर इसने दिया है सॉरी थर्ड का आंसर से पी दिया है तो पी है ना पहला रहा माइनस थ्री ए माइनस टू अगला कौन है Connections. Connections क्या होता है इसका उल्टा।, उल्टा कर दो तो दोस्तों उसमें एस दे दिया इसने ऑब्जेक्ट नहीं दिया आ जाओ तो आपके सामने सामने इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो गया एटीन का सेकेंड नंबर थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन मेरे हिसाब से आपको हमने इसको ध्यान सुन लो आर का और यू का यूनिट निकालने का सब सही तरीका पी इक्वल टू वी आई और पी इक्वल टू आई स्क्स पे आ जाओ ये ये है डियर ये अपने आप में क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन है अपने पूरी दुनिया है और एग्जाम में यहां से प्रॉब्लम आती है तो दो हजार तेरह से लेकर उन्नीस तक सोल्यूशन किया था ना तो क्वेश्चन वहां आए थे आज क्या कहता है एक मास द्रव्यमान एम स्प्रिंग लटका हुआ है फोर्स कॉफिशेंट के है एफ फ्रीक्वेंसी है अगला साहब कहता साहब एक रिश्ता बनाया इसने एफ इक्वल टू सी एम एक्स के वाई तो दोस्तों एक्स और वाई के मान क्या है देखो सुनो बच्चों इसका एक तो होता निकालना तरीका डायमेंशन से एग्जाम में वो नहीं करना होता है एग्जाम तो, तो क्या करेंगे एग्जाम में तो ऐसे किया जाएगा एक मैं जानता हूं टी इक्वल टू टू पाई एम बाई के धन क्लास एग्जाम नहीं करूंगा सर मैं मैं पूरा करूंगा और टी का मैं उल्टा करूंगा तो एफ इक्वल टू है 1/2 पाई के बाय एम 2 पाई का कांस्टेंट नहीं है के ऊपर है यहां भी के ऊपर है तो वाई ऊपर है रूट में है तो वाई का मान तो प्लस हाफ है वाई का मान तो प्लस हाफ आ गया और दोस्तों एम नीचे है बट यहां एम ऊपर है एम नीचे है तो उसके पावर जो अक्स है वो भी रूट में है वो माइनस हाफ है तो वाई प्लस हाफ है अक्स हाँ है ऐसा ऑब्जेक्ट कौन है भैया इसमें फोर्थ है तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया हमारा फोर्थ आंसर हो गया ठीक है डियर लेकिन लेकिन डियर आप इस प्रकार से इसको एग्जाम में ये तो याद था मुझे फॉर्मूला जान चाहू क्लास का यदि आपको फॉर्मूला याद है तब तो आपको ऐसे ही करना है बट फॉर्मूला याद नहीं हो तो एक बार मैं पेपर हाथ में तो ले लूं ताकि पेज खाली हो जाए जरा तो पेज खाली करना भैया तो डियर फिर आपका फॉर्मूला है एफ इक्वल टू सी एम की पावर एक्स सॉरी सॉरी ये इधर एफ इक्वल टू सी एम की पावर एक्स और के की पावर वाई y. आपको इसको सोल्ड करना है दान क्लास का फिर से कह रहा हूं यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम में मुझे फॉर्मुला याद हो तो ये अब मैं जो करने जा रहा हूं वो बेकूफी है लेकिन मैं तो मानता हूं मुझे पढ़ाना है टीचर भैया मैं मानता हूं मुझे फॉर्मूला याद नहीं है पर एक बात और याद रखना एग्जाम में वही कर पाएगा जिसके याद है दोस्तों एक बात हम जानते हैं लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड डायमेंशन के बराबर है ये मेरा एफ है क्वेश्चन माना बेटा स्पष्ट कहता है एफ कौन है भैया फ्रीक्वेंसी है वापस खाली कर फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया एम जीरो एल जीरो माइनस वन सी क्या है डायमेंशन लेस है एम कौन है मास वन एल जीरो टी जीरो इसकी पावर क्या है अक्ष के क्या है बोल गए 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 कलर कलर चेंज कर दू? F इक्वल टू क्या है इक्वल टू क्या है एफ अपॉन एक्स एफ क्या होता है एम वन एल वन टी माइनस टू एक्स कौन है एल वन तो एल वन जीरो हो गया तो इसका मात्र क्या हो गया एम वन एल जीरो क्या लिख दूर यहां एम वन एल जीरो टी माइनस टू की पावर क्या है डीयर वाई, वाई। बस थोड़ा सा तेरे लिए और सही कर दू इस में तो इधर कौन है एम जीरो माइनस वन इधर देख एम की पावर एक्स ध्यान दे क्लास एम की पावर एक्स और एम की, की पावर वाई तो एम की पावर क्या हो गया एक्स वाई हो गया एल की पावर यहां भी जीरो एल की पावर यहां भी जीरो खत्म ये टी की पावर जीरो बोलो हाँ ना अब मैं इसको मिटा दूं क्योंकि बोर्ड पे तो क्या पड़ा है अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं है अब तू आगे सॉल्यूशन कर अब कंपेयर कर तो एम की पावर क्या है इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो क्योंकि इधर जीरो है एल पे कुछ है ही नहीं टी पे क्या है माइनस टू वाई इक्वल टू क्या है माइनस वन ये तेरे सामने वाई का मान क्या आ गया प्लस हाफ दोस्त तो x और वाई का जोड़ जीरो है वाई प्लस हाफ है तो भैया सब जानते हैं अक्स का मान क्या है माइनस हाफ ये हमने सोल्ड किया है क्वेश्चन निकालना बेटा एक मिनट ये हमने सोल्यूशन किया है x का मान माइनस हाफ है वाई का मान प्लस हाफ है आपके पले पड़ा मेरी बात फॉर्मूला याद हो तो फटाफट हो गया फॉर्मूला याद नहीं हो तो पूरा कर लो पर एग्जाम में इतना समय नहीं होता है जो लड़का मेहनत करता लड़का लड़की उसको फोन याद होते नहीं हो तो हमने आपको पूरा पढ़ा भी दिया इसको फिक्स तरीका होता है ओके डियर आगे चले क्वेश्चन नंबर एफ एल और टाइम को मूल माना जाए तो द्रव्यमान का विम्य सूत्र क्या होगा ये फिर अपने आप में किशोर एक पूरी कहानी है भाई आ जाओ डियर द्रव्यमान का मात्र क्या होगा द्रव्यमान का मतलब एम वन एल इक्वल टू एफ की पावर एक्स लगा दो एल की पावर वाई लगा दो और टी की पावर जब लगा दो साथ मेरे। ये था याद है मास को कन्वर्ट करना है ना तो राइट में क्या लेफ्ट में क्या आ गया मास राइट में जो जो एफ अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके अक्स लगाते हो किसके इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लास्ट में कहानी हुई आएगी एफ पे अक्स लगा दिया एल पे वाई लगा दिया टी पे Z लगा दिया आ जा भैया एफ क्या होता है सर इसकी T T T इसकी पावर पावर अक्ष, अक्ष। L क्या होगा चलो जी, थोड़ा कलर चेंज कर लो बच्चे के लिए पेन का इसको मिटा देते बाद की बात हो जाएगा अपना ठीक है डियर

अब आप टी पर आ जाओ टी की पावर क्या है माइनस टू एक्स और प्लस जेड माइनस टू एक्स प्लस जेड ये किसके इक्वल है? किस है ये गलती कर रहे थे अपन। ये इक्वल है एम वन एल जीरो क्लास का मास को कन्वर्ट करना है इधर कौन रहेगा मास वन सामने आ रहा हूं एम वन एल जीरो किसके बराबर है आपने कर दिया कलर चेंज कर लो लो आ जाओ भैया अब देख m की पावर 1 m की पावर x x इक्वल टू क्या हो गया 1 आगे देख x y इक्वल टू क्या हुआ 0 और minus -2x z इक्वल टू भी क्या हुआ 0 आ जा अब तू तो खुद देख x की पावर 1 x 1 है x और y का जोड़ 0 है तो भैया बिना किसी पूछे y क्या कर दे -1 वन. वन. ओके डियर तो ये देख -2 x क्या है भैया 1 ये कौन है जेड इक्वल टू जीरो तो जेड इक्वल टू क्या गया? प्लस दो तो. अक्ष तो क्या आ गया वन y क्या आ माइनस वन जेड क्या आ गया टू तो पहले हमने क्या लिया f है तो f पर क्या आएगा अक्ष वन. वन. फिर हमने क्या लिया लंबाई वो कौन है y वो माइनस वन तो l का पावर क्या हो गया माइनस वन फिर टाइम लिया दोस्तों आपका आंसर आ गया f l माइनस वन टी टू बोलो हा आया मजा इस तरह काम होता है ध्यान दे क्लास पूरा सोल्व कर रहे हैं

निम्नलिखित में किसकी बीमा समान नहीं है कार्य ऊर्जा की एक होती है एक बात और सुन लेना इसमें मुझे। ले एक ही बात है। वर्क की जो है वही एनर्जी की है वो किसकी होती है पलागुण की होती है आगे चल कोण की और विकृति की दोनों डाइमेंशनलेस है दोनों ही डायमें याद बूझ गया क्या कौन बराबर क्या होता है चाप बट्टे त्रिज्या याद है क्या एंगल इक्वल टू आर कपोन रेडियस आर की भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस डिस्टेंस हो हो गया हो गया तो ये आपका हो गया आगे चलो घनत्व और ये दोनों क्या होगा डायमेंशन आगे चलो प्लांक कॉन्स्टेंट ऊर्जा ना ये समान नहीं है प्लांक कॉन्स्टेंट तो एंगुलर मोमेंटम के बराबर है बोल गए क्या प्लांग कॉन्स्टेंट तो किसके बराबर है पीछे आया था एंगुलर मोमेंटम के तो ये प्रश्न क्यों दिया इसलिए दिया ताकि बाकी सारी बीमाएं आपके सामने एक बार रिवाइज हो जाएं दोस्तों इज क्लियर इस क्वेश्चन का मतलब प्रैक्टिस कराना आपसे ओके आगे चले क्वेश्चन नंबर 22 सब ये तक एग्जाम आया क्वेश्चन भैया आज भी 17 का एक्सरसाइज 17 या 16 में आया क्वेश्चन है देखो दोस्तों x देखो पूरा लिख क्वेश्चन सपोज लिखो x एप्सिलॉन 0 lv t

तो दोस्तों हम एक बात जानते हैं v इक्वल टू अक्सर क्या होता है kq/r होता है आप इस तरह मॉडिफाई कर इसको v kq/r है और दोस्तों kq/r q जो है वो 4π ε0 r है ठीक है डियर आप देखो पूरी बात करेंगे अपन यहां पर तो q 4π ε0 r है v की वैल्यू आपकी आ गई अब आपके सामने v ये है तो मैं इस कलर को चेंज करके इस पेन के लिए आप इधर देखें जहां एप्सिलॉन जीरो लिखा हुआ है टेंथ क्लास एप्सिलॉन जीरो ऊपर लिया तो क्या बचा Q अपॉन R मल्टीप्लाई V लिख दूं। Q बोलो बोलो Q ऊपर है देख F, Q ऊपर आया V नीचे आया R नीचे आया ऊपर कौन है L है V है T है अब देख डियर इस V से V कैंसिल आउट हो गया R से लंबाई एक ही बात है, आर बी डिस्टेंस लंबाई ये कौन बचा क्यू बाई टी क्यू बाई टी क्या होता है यार करंट है आंसर क्या हो गया करंट अरे भूल गया क्या आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी बोलो हाँ यहां ना आंसर आ गया तेरे सामने ये प्रश्न याद नहीं किए जाते हैं बेटा जैसे जैसे अगला कहता वैसे करते जाओ बस केवल एग्जाम में अपने विल पावर रखनी है बोलो हाँ या ना एक बार सामने आ अब इसको कैसे याद करो बताओ

इनर्जी डेंसिटी डेंसिटी का मतलब किसका भाग देंगे वॉल्यूम का इनर्जी में वॉल्यूम का भाग देंगे इनर्जी में वॉल्यूम का भाग देने का मतलब दोस्तों सीधा मत। एनर्जी का मतलब है एम वन एल टू टी माइनस टू अपॉन एल थ्री तो क्या बन गया एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू देना क्लास और आप इसको प्रेशर कहें तो प्रेशर क्या होता है ध्यान देना क्लास इसको आप प्रेशर भी कह सकते हैं एनर्जी की डेंसिटी भी कह सकते हैं लेकिन एनर्जी की डेंसिटी जब आएगी दोस्तों तो उसमें वी से डिवाइड होगा क्योंकि एनर्जी इन यूनिट एरिया तो ये आपके सामने हो गया एम वन एल माइनस वन और टी माइनस टू ट्वेंटी थ्री का दोस्तों क्वेश्चन में जो ट्वेंटी थ्री था उसका अपना आंसर हो गया दोस्तों थर्ड आंसर आगे चले आपका हो गया अच्छा खासा बढ़िया सा बोलो हाँ आना ना बातें दोनों लिखी मैंने इसको एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं और इसको प्रेशर भी कह सकते हैं देखो बार बार वो चीज काम आते है। याद हो गया ना मैं देखो सही बता रहा हूँ बच्चों ये एक गुरु नीति जो है ना ये आज हम लोग 26 अक्टूबर को शूट कर रहे हैं और शाम अभी बारह बजे के आसपास शूटिंग कर रहे हैं और शाम को अपलोड होकर आप देखोगे ये मैं कह सकता हूं कि नीट की में एक नई चीज बनने जा रही है जैसे सीएलसी ने कोटा से बाहर एक नई दुनिया बताई सीकर में आप बहुत से बच्चे जानते हो कि जो यूपी बिहार में सीएलसी क्या बेटा हम लोग सीकर राजस्थान में एक जगह है जहां हमारा इंस्टीट्यूट होता है जिसके अलवर जयपुर जोधपुर में ब्रांचेज हैं कोटा हमारा टेस्ट सेंटर है और हम लोग सिक्स क्लास से लेके अप टू आईटी मेडिकल तक ये सारी कोचिंग होती है आईटी भी है मेडिकल भी है दोनों मीडियम है हमारे खुद के अपने स्कूल हैं सी के आर के इसके लिए आप और एक और सुनो मैं डेली शाम साढ़े छह बजे सी एल सी सीकर के फेसबुक पेज और इस यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूं आप वहां भी देख सकते हैं आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपको जुड़ना चाहिए मेरे साथ आगे चलो आगे आ गया जाओ भैया फिर आ जाओ तो फिर फिर वही क्वेश्चन आ गया एफ इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर थैंक यू किशोर सर यार आप अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया आपने अगला साहब कहता भाई F इक्वल टू ए टी ए और b की डायमेंशन ओ भाई ओ लड़के ये फोर्स है ये भी फोर्स है ये फोर्स फोर्स में फोर्स ऐड होना है आ जाओ लो थोड़ा सा किशोर सर बोर्ड के स्पेस लो ए टी इक्वल टू फोर्स फोर्स बोलना क्या होगा एम वन एल वन टी माइनस टू तो ए चाहिए तेरे को तो देख टी नीचे आएगा तो सीधा कर दो तो कहते हो एम वन एल वन अगले का फिर अपन थोड़ा कलर चेंज कर लें तो आप आ जाओ अगला कौन है बी टी स्क्वायर तो बी टी स्क्वायर इक्वल टू भी क्या है एम वन एल वन टी माइनस टू, टू तो भाई b का मान क्या होगा स्क्वायर होगा तो एम वन एल वन टी माइनस फोर, फोर मिला ले भैया एम वन एल वन टी माइनस थ्री एम वन एल वन टी माइनस फोर आंसर क्या हो गया भैया सेकेंड हो गया अरे कुछ पकड़ में ही बात है हो गया फुटबॉल हो गया होगा यार नेक्स्ट

अरे पावर का मतलब बोले आदमी वही कहने का मतलब है इसको पावर कह सकते हैं कौन सा पावर प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी लाइट पावर ठीक है और एरर पे, एर पे मत ज्यादा देखो एक बार एरर पे आपको सिंपल बता दू से आसान क्वेश्चन नहीं है कोई और बिना एर की एग्जाम नहीं होती है अगला साफ कहता द्रव्यमान और चाल मास और स्पीड में अगला कहता है, दो परसेंट तो मास में हुआ और तीन परसेंट चाल में हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में त्रुटि क्या होगी देखो बच्चो ई इक्वल टू हाफ एम तरीका होता करने का इसमें ऐसा कर लिया करो डेल्टा ई अपॉन ई संख्या को भूल जाओ डेल्टा एम अपॉन एम प्लस इस दो को नीचे उतार लो दो, और दोस्तों डेल्टा अब ये यदि तेरे को नहीं आता सीख ले यार सिखा रहा हूं ना कि कहते हैं तो आता ही नहीं अरे भाई नहीं आता सिखा रहा हूं डेल्टा एम अपॉन एम टू अच्छा ये प्लस रहेगा डेल्टा एम अपॉन एम मास की एरर है कितनी है भैया दो प्लस दो गुना ये वी कौन है ये वी आई तो नहीं है भाई ये वी स्पीड है ये कितनी है तीन तो दोस्तों तीन दो छह दो आठ आंसर क्या आ गया आपका आठ परसेंट क्लास तरीका होता है करने का कहानी प्ले पड़ गी? इस तरह से

एरिया तो कह सकते हैं डेल्टा एल बाई एल डेल्टा दो से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर क्या आ गया 4 और ऐसा ही कोई क्वेश्चन पे हो जाता तो क्या दिक्कत है यहाँ एल क्यूब हो जाता तो उसका तीन नीचे आ जाता आंसर क्या हो जाता सिक्स परसेंट ये तो बात नहीं है ना ये बात कर सकते हैं ये बात आगे चलो भैया ये देख

नुकसान ही करती है गलती प्लस में मैं गलती गलती अब मैं मुद्दा नहीं होता है पॉइंट टू किसमें दस में किसमें भैया दस में तो पॉइंट टू अपॉन टेन बस ये दे चीज का भैया इसमें मुद्दे की बात इतनी है भैया बस अब फाइव अपॉन हंड्रेड क्या होगा क्या लिखे मल्टीप्लाई कर, कर दो सबको तो ये आपका हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो, तो तो दो, दो तो साथ 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 ना अपने तो से जान दो क्योंकि आपको क्या निकालना है आपको निकालना बेटो परसेंटेज देखो सौ के पीछे पांच का है तो पांच बटास हो दस के पीछे पॉइंट दो का है पॉइंट दो बटा दस उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हंड्रेड से तो आपके सामने क्या आंसर आ गया बेटा आंसर आ गया चलो तो एक बार बोर्ड खाली करें एक चीज बताऊं आपको लो मैं एरर पे बात करता हूं एरर दोस्तों तीन प्रकार की है सबसे पहले है निरपेक्ष फिर सापेक्ष फिर परसेंटेज इेस्पेक्टिव और परसेंटेज सुनो मान लो मेरे को पांच चीज काउंट करनी थी और मैंने वहां चार काउंट कर दी तो गलती कितनी हुई एक की पांच करने थे मुझे और मैंने चार कर दिया तो गलती कितनी हुई एक की मुझे मान लो सो काउंट करने थे और नाइनटी नाइन नाँट काउंट कर दिए तो भी गलती कितनी हुई एक की यह है इरिस्पेक्टिव निरपेक्ष एरर है लेकिन सापेक्ष की बात करें तो भाई इसको कहेंगे एक बट्टा गलती एक किसके सापेक्ष हुई पांच के सापेक्ष और ये बेटा होगी एक बट्टा सो तो उसके बाद चेंज करें परसेंटेज में तो इसको चेंज करो परसेंटेज में इसको सो से मल्टीप्लाई करो इसको सो से मल्टीप्लाई करो तो ये तो एक परसेंट हुई लेकिन बेटा जी ये तेरी बीस परसेंट हो गई बोल है ना तो सो के पीछे एक की गलती एक परसेंट है पर पांच के पीछे एक की गलती बेटा बीस परसेंट है तो पांच की बदल चार मेजर किया एक आया तो इरिस्पेक्टिव तो एक है सो के पीछे किया वो भी एक है बोलने में तो लेकिन जब परसेंट की बात आई तो सो में गलत हुआ ये एक गलती हुई परसेंट तो हो होती है इतना एरर होता है देखा जाए तो क्यों भाई शानदार एग्जाम्पल आ गए ओके थैंक यू आगे चलो आगे चलो बेटा जी फिर आ जा है लंबाई लंबाई में एक परसेंट है और टाइम पीरियड में दो परसेंट है तो गुरुत्व त्वरण के मापन लंबाई क्या होगी तो अपन सब जानते हैं भैया है। जी इक्वल टू क्या होता है रूट एल बाई जी इसी दिशी बात आप इसको सॉरी ऐसे सॉरी गलत बोल गया मैं टी इक्वल टू टू पाई रूट एल जी तो जल्दी बाजी हम हम इस बार बार हम इस वीडियो एट, एडिट नहीं करेंगे जैसा हम गलती करें आपको दिखाएंगे भी कि ऐसी गलती एग्जाम आप पाई, तो तो पाई स्क्वायर पाई पाई से अपना मतलब नहीं है क्योंकि में होता ही नहीं इसका। तो दोस्तों, मैं इसको कलर चेंज करके तेरे दे कर दूं तो तेरे सामने सामने देख डेल्टा जी अपॉन जी तो ये क्या होगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस टू डेल्टा टी बाई टी बोल दिख रहा बोर्ड पे भैया डेल्टा जी बाई जी बस तो डेल्टा एल 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 डेल्टा कितना बोलना बात एक परसेंट प्लस टू टी की कितनी है दो चार एक पांच आंसर क्या आ गया पांच परसेंट होता रिपीट हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रिपीट हो गया क्वेश्चन ओके डियर थैंक यू आप आगे चले आप थर्टी पे आ जाए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कहता है अधिकतम एरर दोस्तों जो पावर सबसे बड़ी है वो अधिकतम एरर है वो माइनस चार है ये कौन है सी है तो अधिकतम ध्यान सुनना भाई माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है जो पावर सबसे बड़ी है वो एरर अधिकतम है तो ये मत कर देना कि साहब तो माइनस चार है या नीचे है तो ऊपर आ प्लस चार होगी बात अलग है लेकिन तेरे को केवल संख्या देखनी है क्यों इस साइन का कोई रोल है नहीं है ओके आगे चल एक भौतिक राशि एम ए एल बी टी सी दिस दिस अगला कहता है एम में R क्या है अल्फा एल में क्या है बीटा और टी में क्या है गामा तो अक्स में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी तो अधिकतम त्रुटि कोई दिक्कत नहीं है भाई एम में अल्फा है तो इसकी पावर ए है देखो सुनो 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 देखो सुनो सुनो डेल्टा अक्स अपॉन अक्स इधर ए को नीचे ले डेल्टा एम अपॉन एम बी को नीचे ले डेल्टा एल अपॉन बोले मामला बिल्कुल डेल्टा सी बाई सी अब डेल्टा एम बाई एम क्या है अल्फा तो ये देख तेरे सामने क्या आ गया ए अल्फा बी बीटा सी गामा ये ले तो हो गया तेरा प्रैक्टिस के लिए मेरे ख्याल से प्रैक्टिस रही तेरी मैंने में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं की प्रैक्टिस हुई इसमें केवल आ जा आगे चलो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई देखो डियर मैं सीधा कर दूं इसको डेल्टा ए अपॉन है देख टू नीचे उतार डेल्टा ए बाई ए थ्री को नीचे उतार डेल्टा बी बाई बी सी को ऊपर ले जाओ माइनस प्लस नहीं आएगा ए लड़के माइनस प्लस नहीं आएगा डी रूट है डेल्टा डी डी इसमें एक सुंदरता है ये सी डी ऊपर जाके प्लस माइनस नहीं होता सबका एड होना है टू डेल्टा अब तेरी पूरी बात कर दू डेल्टा ए में बता क्या क्या करेक्शन एक वन परसेंट प्लस थ्री डेल्टा बी में कितना डियर तीन परसेंट डेल्टा सी में कितना भैया दो परसेंट और डेल्टा डी में कितना भैया फिर 2 पर। 2, नो, दो परसेंट बस सीधा कर दिया दो ये तीन तीन नो नोट दो ग्यारह दोनों का इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता जी, का आगे से नीटू नहीं बन सकता भैया ओके तो आपके सामने पूरा देख ले क्वेश्चन एक बार पोज कर ले क्वेश्चन को ओके थैंक यू आगे चल

इसने त्रुटि कर दी क्या कर दी डिस्टेंस इस साफ का है पहले क्या लिया है एर इन मेजरमेंट डिस्टेंस e1 है और टाइम e2 है और अगला कहता है g की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालेंगे भैया v इक्वल टू u प्लस जी टी अच्छा इससे काम नहीं होगा हमारा इससे काम नहीं होगा भाई डिस्टेंस नहीं है नहीं बिल्कुल काम नहीं होगा जी तो हम लगाएंगे h जी टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर एक ही बात कह दो अब तेरे को किसमें चेंज चाहिए जी में चाहिए ना तो भैया एक काम कर जी को इधर ले ले और ये लेर कर दे लेकिन वही बात है स्क्वायर का फर्क इसमें ज्यादा पड़ना नहीं है तो ये क्या हुआ डेल्टा एच अपॉन एच प्लस टू डेल्टा डेल्टा टी बाई टी डेल्टा एच बाई एच क्या है भैया ई वन डेल्टा टी बाई क्या ई टू तो ई वन प्लस टू ई टू ये आंसर आ गया अरे बात समझ रहा है तू भाई जैसे मैंने वीवल टू यू प्लस एट दिखा सर ने कहा नहीं भाई एस बिल्कुल तुरंत आगे बात तो एस इक्वल टू ए की बात है एस बोल दो एच यू तो जीरो हो गया इसमें ये खत्म है क्योंकि अगर साफ कहता है डिस्टेंस फ्री फॉल बॉडी इनिशियली रेस्ट एर, साफ दिया। रेस्ट है इसका मुझे चीज क्या है इसमें जीरो हाफ जी टी स्क्वायर निकाल दिया इसमें एक इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस है चीज की कि एरर में प्लस माइनस हमेशा प्लस ही होता माइनस है

ये दोस्तों एक बार फिर से वो इक्वेशन रिपीट हो गया कि आइडियल रियल गैस का इक्वेशन है किसकी बीमा ऊर्जा से भिन्न है एनर्जी से भिन्न है तो इसको दोस्तों में निकालना ही होगा एनर्जी से कौन अलग है तो आप जानते हो पी कौन है भैया प्रेशर है वी कौन है वॉल्यूम है ठीक है अब आपको ए की डायमेंशन निकालनी होगी बी की डायमेंशन निकालनी होगी और एनर्जी से डिफर कौन ये एक लंबा क्वेश्चन है टिपिकल नहीं है ये दोस्तों एक लंबा क्वेश्चन है और इसमें निश्चित रूप से एग्जाम में करने के लिए आपको इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा भाई आपको इसका एग्जाम पूरा सोल्व नहीं कर पाओगे तो आप कर नहीं पाओगे अब दोस्तों इसमें अपन एक बात कहना चाहेंगे थोड़ा सा तरीके से P प्लस ए स्क्वायर एग्जाम में ट्रिक होती है ए बाई वी स्क्वायर तो प्रेशर है और प्रेशर ऊर्जा नहीं हो सकती इससे आंसर अब तीन क्या मुझे नहीं पता ये कंपटीशन है इसका नाम प्रतियोगी परीक्षा है ये फर्क स्कूल और कोचिंग पढ़ाई में बाकी स्कूल भी हमारे साथ ही वही पढ़ाते हैं हम कोचिंग पढ़ाते हैं यहां मैच ट्वेंटी ट्वेंटी का धंधे। तेरे पास एक रास्ता तो क्या है तू तो चारों निकाल पागल हो जाएगा निकाल दे, निकाल दे, मुझे पता है कि पी में जो जोड़ रखा वो प्रेशर है और प्रेशर कभी ऊर्जा की डायमेंशन है नहीं होती है। तो a v2 ऊर्जा की डायमेंशन नहीं है और यही पूछा है तो मैं इसी के साथ कह दूंगा कि आंसर आपका ये हो गया ओके डियर थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ ए कण की वेलोसिटी ये है ये मेरा प्रीवियस क्वेश्चन है भाई ये मैं जब पढ़ाता था तो मैं स्टार्ट यहीं से करता था क्वेश्चंस को देखो डियर v at b t c मैं मेरी इस क्लास का श्रेष्ठतम करने जा रहा हूं भाई दोस्तों ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है तो ये डिस्टेंस है और टाइम के साथ टाइम जुड़ रहा है तो बी तो शो कर रहा है डिस्टेंस को और टी समय सी कर रहा है समय को अब आप देखो सी किसको शो कर रहा है समय को तो सी शो कर रहा है समय को बी समय कर रहा है एल को अपना आप आंसर आपका क्या हो गया क्या हो गया ध्यान दे क्लास v ये कौन है है वेलोसिटी वेलोसिटी ये कौन है? कौन नीचे तो मुझे, मुझे जुड़ेगा टाइम तो डिस्टेंस अपोन टाइम प्लस टाइम सी कौन हुआ टाइम ये कौन हुई डिस्टेंस है तो तीसरा अपना आप हो गया इसको बोलते हैं निकालने की जरूरत नहीं निकालना चाहो तो निकाल लो एटी किसके बराबर है निकाल लो

वैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं मेरे किशोर को पढ़ा रहा हूँ तो उसके मेरे स्टूडेंट भी रहे थे तो बात इतनी है तब ऑफलाइन थी आज ऑनलाइन तो मेरे सामने मानता हूँ किशोर जैसे मेरे बहुत से बच्चे बैठे देखो बच्चों ध्यान दो कलर चेंज कर ले आपके लिए थोड़ा सा इसका देखो डियर आप खुद कह रहे हो कि ए माइनस टी स्क्वायर तो आप जानते हो ये टी स्क्वायर यदि पक्का टी स्क्वायर है ऊपर तो हो गया एम जीरो एल जीरो टी टू इसको अपन एक तरह से ए की डायमेंशन कह सकते हैं बात ओके okay डियर अब आपको डायमेंशन चाहिए बी की तो बी की डायमेंशन ऊपर कौन है ए माइनस टी स्क्वायर तो आप सीधी सी बात उसको, क्या लिख लो इसको सीधा लिख लो यार एम जीरो एल जीरो और बी इधर गया नीचे कौन आ गया पी मल्टीप्लाई एक्स बोलो हाँ ना बस अब तो सीधा कर ले इसको को क्या चाहिए ए अपोन बी चाहिए तो ऐसा कर ये एम जीरोल जीरोन बी ऊपर तो क्या आ गया पी मल्टीप्लाई सिंपल सी बात होगी बस पी कौन है प्रेशर तो बोलना प्रेशर क्या होता है yes. तो L हो तो हो अब दोस्तों सुनो इसमें दिमाग नहीं काम आता है इसमें काम आता है उस समय का आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका कॉन्फिडेंस बाकी डायमेंशन सबको आती है आपको ओके डियर थैंक यू अब आप आ जाओ थर्टी सेवन ये एक नई चीज आ गई भाई और ये बिल्कुल दो तीन क्वेश्चन डाले इसीलिए गए हैं देखो दोस्तों जब ये ई आ जाता है ई के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है अल्फा जेड के थीटा उसको हमेशा एक के बराबर कर दिया करो क्यों क्योंकि e की पावर जीरो कोई चीज होती है तो वन होती सीधी सी बात डायमेंशन होता है ई के ऊपर उसकी कोई डायमेशन नहीं होती एक सबसे काम की चीज है माइनस का भी कोई रोल नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये अल्फा जेड के थीटा इक्वल टू वन। बस। ये एक मूल कॉन्सेप्ट है भाई गांठ मान ले जब भी कोई इस तरह ई पे जो पावर सुन ले भाई ई के ऊपर जो भी मैटर लिखा हुआ है ई के ऊपर जो भी मैटर लिखा हुआ है उस सबको एक के बराबर कर दो कर दिया का रोल? क्यों? आप जानते कोई रोल होता है का? अल्फा के थीटा इक्वल टू अब आगे चलते हैं पर तो अगला साफ कहता के में है, थीटा है, बीटा का आपको निकालना है और अल्फा बीटा आपके दोस्तों ये है अल्फा बीटा इसके साथ है तो अपन ये भी कह सकते हैं पी इक्वल टू क्या है अल्फा, बीटा।, अल्फा बीटा इसका कोई बात रख होना ही नहीं है तो दोस्तों आपको बीटा निकालना है तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया अल्फा अल्फापोन पी आ जा भैया बीटा इक्वल टू क्या हो गया अल्फा अल्फापोन पी तो alpha क्या अल्फा क्या है इधर देख अल्फा क्या है के थीटा ऊपर है और जेड नीचे बोल बोल यार अल्फा क्या है के थीटा बाई जेड अब तेरे को बीटा चाहिए ना तो बीटा इक्वल टू क्या है पुत्र अल्फा बीटाइकुल्फापोन पी अल्फा क्या है के थीटा अपॉन जेड अपॉन पी ये पी कर दे अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है ले पूरी करेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है के कौन है भाई वोल्ट्समैन कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन क्या होती है ये हमें याद रखनी होगी कैसे याद रखनी होंगी कलर चेंज कर ले भूल गए क्या रहे? बाई टू के टी तो दोस्तों के इक्वल टू क्या हो गया ई बाई टी लिख दू तू यारू क्या हो गया ई बाई टी में एक मिनट आ रहा हूं पुत्र तेरी बात कर रहा हूं मैं ये जेड पी तो टी से थीटा काटते हैं की बात है अरे टी थीटा को टेंपरेचर बोलते हैं टी को टेंपरेचर बोल ये पूरा हो गया इसको मिटा दूं तेरे लिए में तो तेरे सामने सामने भाई बीटा क्या हो गया पूरा कर रहा हूं तेरे लिए में ई अपॉन जेड c ओके डियर अब आ जा ई e कौन है भैया एनर्जी अब पूरी बात करते हैं ले m1 l2 t 2 z क्या है डिस्टेंस है तो कौन हुआ l1 पी कौन है रे प्रेशर क्या हुआ डियर m1 l l 1 t 2 लंबा खाली कर लूं बोर्ड तेरे लिए तो दोस्तों बीटा इक्वल टू क्या हुआ देख ये m1 m1 कैंसिल कलर चेंज कर ले तेरे लिए भैया ले ने m1 m1 कैंसिल ठीक है डियर ये l से l कैंसिल ये t से ये माइनस है माइनस है ना तो चेंज हो तो ये माइनस से खत्म हो गया तो दोस्तों केवल क्या बचा m0 l0 सॉरी l2 जीरो एल टू टी जीरो बोला है मजाबाद का जोड़ना पड़ता है जैसे मुझे के दिखाई दे सीधा मैं आंसर थ्री बाई टू के टी पे यही प्रैक्टिस है इसीलिए हार्डवर्क करना होता है आदमी को सुन लो बच्चों, कोई डिफर नहीं है कोई इंटेलिजेंट नहीं है जो जितने कोई डफर नहीं है कोई इंटेलिजेंट नहीं है

एक्स पी लिख दे, दे अब वो कहता एक्स दूरी है के है, टी है, अल्फा बीटा तो स्थिरांक है तो बीटा की डायमेंशन क्या है तो निकाल दो चले आ स्क्वायर अल्फा के इक्वल टू क्या करूं भैया मुझे किसकी चाहिए बीटा की तो फिर वही बात अल्फा इक्वल टू, टू क्या है अल्फा बीटा ओके okay, तो हमें निक... बीटा चाहिए ना बीटा चाहिए बोलो, बोलो, बीटा तो, बीटा तो अब अपने काम करें इसको मिटा लें क्योंकि बोर्ड तो अपने पास है, दिक्कत ही नहीं है. अब आ जाओ जी भैया जहां से देख हमें बीटा चाहिए अल्फा की निकालो वहां से, तो अल्फा बनाओ यहां से तो ए मसीदा कर दू इक्वल टू एफ सीधा व्हाट इज अल्फा अल्फा वहाँ ले जा बचा है

माइनस टू अपॉन कौन कौन है एम जीरो आ जा. अब देख. तेरे लिए कर देता हूं मैं. है, एक ये है, तो क्या बन गया एम टू ये, ये, ये कैंसिल आउट हो गए क्या बच गया माइनस टी टू है ये माइनस टी टू है ये क्या हो गया टी माइनस फोर एम टू एल वन टी माइनस फोर एम टू एल वन टी माइनस फोर बता आ रहा बात का मजा है थोड़ा सा लेकिन एक बार वीडियो देख ले फिर जो क्वेश्चन डाउट लगे उनको दोबारा रिवर्स करके देख ले भाई और तो क्यों सर ऐसे कहेंगे हमारे स्टूडेंट सर भी आ गए क्लास लेके आएंगे भी जूलॉजी में आएंगे आज आज दो क्लास आएंगे फिजिक्स की और जूलॉजी की थैंक यू डियर आ जाओ भैया फिर आ जाओ फिर चलो आपके अभ्यास के लिए वो ई e की पावर माइनस बी एक्स टी है एस टी एक्स है तो b की डाइमेंशन बताओ तो a मैं पूरी बात कर दूं a 1 e की पावर bxt तो वही कहानी bx t इक्वल टू क्या है 1 और b इक्वल टू क्या हो गया भैया 1 xt x क्या है डिस्टेंस t क्या है टाइम तो अब क्या लिखूं यार टाइम भी माइनस है डिस्टेंस भी माइनस है कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट आंसर हो गया ओके okay, आगे चलो भैया अब आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम सब जानते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के इक्वेशन होगा ओमेगा बाई के किसके इक्वलेंट है तो कहने की बात नहीं दोस्तों देखो एक सिंपल सा फंडा है ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई बाई टी के इक्वल टू होता है टू पाई बाई लेमडा याद रखना पड़ेगा भाई ये मस्त क्वेश्चन है ओमेगा इक्वल पाई बाई होता है के इक्वल पाई बाई होता है

या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है बिल्कुल है उनके साथ जो भी चीजें लिखी होती है हमेशा डायमेंशनलेस होती है बिल्कुल सही है तो जैसे अपन लिखा था y a sin ये ओमेगा t kx देखिए पूरा फोर्स इन डायमेंशनललेस है बिल्कुल सही कह रहे हो तो आप इसको डायमेंशनल और साथ में माइनस भी है सही है इसका मतलब निकालना है ओमेगा अपॉन k ठीक है ओमेगा अपॉन k हमारे पास आया x अपॉन t ठीक है, है।, 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 है। बिल्कुल सही है ठीक ये, ये, ये अच्छा तो गुरुनिति आप आप, गुरु का पहला वीडियो सूट हो गया आज छब्बीस अक्टूबर को एक बजे हमारा वीडियो शूट हो अपलोड डेट हो गया है आप सुनिधि सर सब जानते हैं अभी अगली क्लास आपकी रहेगी आप किशोर हैं तो ये दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट लेके हम आपके बीच आए फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे देश के बच्चों के लिए फ्री है और इसमें दोनों मीडियम हमने मिक्स रखा है तो निश्चित रूप से ये सबके लिए यूजफुल है फ्रूटफुल है दोस्तों मैं फिर से बता दूं आपके अपने सी एल मेडिकल दोनों की प्रिपरेशन कराती है दोनों का हमारा सेपरेट बैचेज है दोनों मीडियम हमारे स्टडी मटेरियल है सिक्स क्लास से हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं छः सात छः सात आठ नौ दस हमारा प्री फाउंडेशन है इलेवन ट्वेल्थ हमारा फाउंडेशन है आफ्टर ट्वेल्थ हमारा टारगेट कोर्स है टारगेट रिपीट का अलग है फ्रेशर का अलग है ठीक है डियर और अलोवर जयपुर जोधपुर सीकर हमारे क्लासेज हैं सीकर हमारा हेड ऑफिस है ये सब राजस्थान के अंदर है कोटा हमारा टेस्ट सेंटर चलता है तलवंडी सर्किल पे जो बच्चे के कोटा को रहने वाले हों तो दोस्तों कोटा आप वहाँ हमारा टेस्ट सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेस्ट आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं एट प्रेजेंट हमारी ऑनलाइन क्लासेज बहुत सफलतापूर्वक चल रही है मुझे बहुत कैसे खुशी हुई है 16 अप्रैल को हमने पहला बैच स्टार्ट किया था और 22 नवंबर को दोस्तों हमारे ट्वेल्थ क्लास के बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ऑनलाइन कंप्लीट और दोस्तों और भी कोई बात हो तो सी एल सी परिवार डॉट उनकी साइड पर जाए विजिट करें और पूरा सुनना सी एल सी के बारे में तो मैं सप्ताह में करीब चार से पाँच दिन शाम को ठीक साढ़े छः बजे सी एल सी सीकर के फेसबुक पेज पे सी एल सी सी कर के यूट्यूब चैनल पे लाइव आता हूँ उनको देखें सुने और कोई बात हो तो मेरा खुद का नंबर है डबल नाइन टू एट सेवन थ्री डबल एट डबल एट आप मुझे इस नंबर पे अपनी बात व्हाट्सअप कर सकते हैं बट लिमिटेड व्हाट्सअप करें बहुत सबके जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो गया क्योंकि नंबर मेरे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गए बहुत ज़्यादा फैल गए मेरी कोशिश रहती है कि जवाब दूँ तो आपसे निवेदन है कि आप भी वही क्वेश्चन मेरे तक पहुँचाएँ जो थोड़ा सा काम का हो जिसका जवाब मैं जिसका जवाब मैं दे पाऊँ उस लोकेशन हो दोस्तों ठीक है डियर क्वेश्चन का मतलब सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कोई डाउट्स अल्ले कोई डाउट हो एग्जाम के डाउट हो और मैं तो एक खुले मन से कहता हूं जो भी रिपीट स्टूडेंट है देश में कहीं भी दो तीन साल से लगा हुआ है उसके नया पार नहीं हो रही है तो उंगली पकड़ो सीएलसी की उंगली पकड़ो श्रवण चौधरी की हर हाल में आपको तो नया पार कराएंगे दोस्तों हमारे खुद के अपने हॉस्टल हैं रिपीटेड बच्चों के या अच्छे बच्चों के सबके सेपरेट व्यवस्थाएं सब कुछ रहता है और आर्थिक रूप से भी हम बच्चों का सहयोग करते हैं ये वीडियो फ्री दे रहे हैं ये उसका अपना प्रमाण है और फीस में भी ऑफलाइन आते हो तो भी आपकी सीएलसी आपका पूरा सहयोग करती आई है आगे भी करेगी आपको सारे ताम जाम छोड़ के पहले किस कोचिंग में थे कितने ड्रॉप कर लिए सब हटा के आप सीएलसी में आ जाओ और दोस्तों यदि आप जुड़े हो सीएलसी से तो मार्च के लॉकडाउन से लेके पिछले सात महीने में किसी इंस्टीट्यूट ने सवादी काम किया बच्चों के लिए तो सी एल है केवल सीएलसी है ओके okay, डियर तो आज का फर्स्ट वीडियो मेरा आप, आपके सामने आया इसके बाद आप देखें जुलोजी का ये 26 तारीख को देख रहे हैं कल 27 को केमिस्ट्री और बोर्ड के आएंगे फिर वापस फिजिक्स जुलोजी ऐसे एक दिन फिजिक्स फिजिक्स जूलोजी के एक दिन केमिस्ट्री बोर्ड के आएंगे शेड्यूल पूरा हमने आपको दिखा दिया एक बार स्लाइड्स दिखाते हैं शेड्यूल्स की बिल्कुल हमारे आ जाते हैं

ये हो गए बेटा फोर्टी फाइव हो होगी फिजिक्स के किस डेट पे आएगा अब केमिस्ट्री पे आ जाओ दिखा दिया फिर आगे चलो चलो ताकि बच्चा पोज करके क्यों आ, बच्चा पोज कर, देख से के देख सके स्क्रीन शोट ले आपका केमिस्ट्री हो गया अब बायोलॉजी में आ जाए बायोलॉजी में वहां तो ऊपर है जोलॉजी अलग है बोट नहीं लग हैं हम लोग चलो ऊपर चलो दोस्तों पांच मार्च को एंड हो जाएगा पांच मार्च को हमारा सिलेबस एंड कर देंगे आप सीएलसी के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं हमारा स्टडी मेटेरियल मंगा सकते हैं आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ये सारी व्यवस्थाएं आपकी संस्था के साथ हैं बस इनके लिए एक बार आप विजिट कर लें या मेरा दे लाइव देख लें दोस्तों आज 26 को जो आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं डेल लाइव आता हूं आऊंगा साढ़े छह हाँ साढ़े छह नहीं, उस नहीं आ रहा है उसके उस लाइव नहीं आ रहा मैं लाइव का टाइम फिक्स छह बजे होता है शाम साढ़े छह सी एल सी सीख करके फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ओके नमस्कार थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जय सी एल सी